ओके तो मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, और जिस पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि बीस्ट मूवी बहुत ही जल्द आपको वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर के मौके पर देखने को मिलने वाली टीवी चैनल पर, लेकिन मैंने वहाँ पर न तो टाइमिंग बताई और न ही ये बताया कि ये किस टीवी चैनल पर आने वाली है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस बनाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में वो पूरा सस्पेंस रिवील हो जाएगा। सो लेट्स बिगेन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन पिक्चर्स जिसने बीस्ट मूवी को हिंदी में डबिंग किया था और प्रोड्यूस किया था। लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर मूवीज़ की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि डॉक्टर और अनाथे इन मूवी को सन पिक्चर्स ने गोल्ड माइंस को बेचा था टीवी पर दिखाने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों इस मूवी को देखिए, यह मूवी का नाम है ईटी, और इस मूवी को स्टार नेटवर्क पर भेजा था सन टीवी ने। और यहाँ पर दोस्तों आप इस पिक्चर्स को भी देखिए जिस पे यहाँ पर लिखा हुआ है पेटा मूवी, यह मूवी भी आपको कलर सिनेप्लेक्स पर दिखाई गई थी। लेकिन सन पिक्चर्स ने ऐसा क्यों किया कि बहुत सारी मूवी को सभी अलग अलग सेटेलाइट राइट्स पर बेचा, तो वो तो अभी किसी को पता नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ पर रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ रिसर्च करके यहाँ पर आपके लिए पूरी कंफर्म जानकारी पता लगा दी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड माइंस की। दोस्तों अगर गोल्ड माइंस पर अगर कोई मूवी आती है तो वह मूवी हिंदी में डब्ड गोल्ड माइंस के स्टूडियो में होती है, लेकिन दोस्तों बीस्ट मूवी आपको हिंदी में रिलीज हुई थी तो वो तो गोल्ड माइंस की स्टूडियो में डबिंग नहीं मिली होगी ना देखने के लिए। तो ये आप समझ सकते हो कि गोल्ड माइंस पर यह मूवी तो कभी भी नहीं आएगी। और इसके अलावा स्टार नेटवर्क इसको तो सन टीवी अभी यानी कि सन पिक्चर्स इस नेटवर्क को राइट्स नहीं बेच रहा है, तो आप समझ सकते हो कि बीस्ट मूवी के सैटेलाइट राइट कलर्स सिनेप्लेक्स ने खरीद लिए हैं और उनको ही बेचा है। और दोस्तों बात करें कि बीस्ट मूवी की हिंदी रिलीज डेट की, दोस्तों वो रिलीज डेट होने वाली है मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म अपडेट है। आई होप करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।